शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक हैं यहाँ पे मैं लगभग सौ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन करूँगा और ये मैं आपको तीस तीस करके क्वेश्चन आपके प्रोवाइड करूँगा लगभग सात से आठ मिनट का मेरा वीडियो होगा दोस्तों वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार दो से चार मिनट देख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो तो चलिए शुरू करते और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे मनोविज्ञान के सिद्धांत तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन कभी आता है जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं यूपी टेट सी टेट रीड ये सारे एग्जाम तो उसमें पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो मनोविज्ञान के जनक कौन है हमारे विलियम जेम्स जी हैं कभी कभी क्या होता है जब मनोविज्ञान के जनक दिया होता है और उसमें विलियम जेम्स का ऑप्शन ना हो और, और उसमें अरस्तु का दिया हो तो वहाँ पे आप किसको टिक करेंगे अरस्तु को टिक करेंगे फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक कौन है भैया विलियम जेम्स जी हैं प्रकार के जनक कौन है तो प्रकारवाद के जनक हमारे विलियम्स जेम्स जी हैं दोस्तों इसकी पी पाने के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रहेगी आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसकी पी प्राप्त कर सकते हैं फिर यहाँ पे हम बात करेंगे आत्मसंप्रत की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया तो ये भी आपके भैया विलियम जेम्स जी ने दिया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो कौन कहलाते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है, तो है वो हमारे थर्न जी कहलाते कौन कहलाते हैं थॉन जी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया तो भैया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो भी हमारे थर्न जी ने दिया है सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर आते जो आपका यूपी टेट हो सी टेट हो रीट एम्पीटेड जितने भी एग्जाम इधर हो रहे हैं और रीट देखिए फिर इस बार अनाउंस हो चुका है कि आपको चौदह से चौदह और पंद्रह मई को दो हज़ार बाईस में आपका एग्ज़ाम होगा रीट का तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए आपके पास छः से सात महीने हैं फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक जी ने जी ने दिया है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को ही प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में क्या कर दिया इसको बस शब्द चेंज कर दिए गए यहाँ पे

उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत फिर यहाँ पे ग्यारह नंबर पे अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया तो अधिगम का बंध जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक जी ने ही दिया फिर यहाँ पे बात करेंगे संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया तो संबंधवाद का सिद्धांत भी हमारे थॉर्नडाइक जी ने दिया फिर तेरह नंबर पर पूछा गया कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम का सिद्धांत किसने दिया तो ये भी हमारे थॉर्नडाइक जी ने दिया फिर आता है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत तो ये भी थर्णडायक जी का था तो दोस्तों ये सिद्धांत रट लीजिए आपके इसमें से कम से कम दस से बारह नंबर आपके पक्के हो जाएंगे <coughs> फिर यहाँ पे पंद्रह नंबर पे हम बात करेंगे बिने साइमन बुद्ध परीक्षण किसने किया तो बिने एवं साइमन ने किया नाम से ही आपका दिख रहा है कि किसने दिया है दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा फिर नंबर पर बात करेंगे परीक्षणों के जन्मदाता किसे कौन है तो बुद्ध परीक्षण के जो जन्मदाता है वो आपके बिने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया तो ये भी आपका बिने ने दिया दो खंड बुद्धि का सिद्धांत ये स्पियरमैन ने दिया फिर तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पियरमैन ने दिया है फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत तो ये भी आपका स्पियरमैन ने दिया है त्रिमी बुद्धि का सिद्धांत ये आपके गिलफोर्ड जी ने दिया है बुद्ध संरचना का सिद्धांत ये आपका गिलफोर्ड जी ने दिया है और फिर समूह खंड का एक पूछा जाता है कि समूह खंड का सिद्धांत किसने दिया है तो ये आपका थर्स्टन अभी देखिए का एग्जाम चल रहा है उसमें बहु बहुखंड बहुबुद्धि खंड का सिद्धांत ये पूछा गया था फिर युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि ये भी आपकी थर्स्टन जी ने दी है क्रमबद्ध अंतराल विधि ये भी थर्स्टन जी ने दिया है और एक आता है आपका समदृष्टि दृष्टि अंतर्विद का सिद्धांत ये थन वे ने दिया है चे थे थर्स्टन के चेला थे न्याय दर्श एवं प्रतिदर्श था जी ने दिया है दोस्तों हमारा चैनल है स्टडी विद एल के आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले निशान को दबा लीजिए ये मेरा कांटेक्ट नंबर है आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए